ग्वालियर चंबल संभाग में चिटफंड कंपनियों का 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले का हुआ पर्दाफाश। इस मामले में जीसीए कंपनी के मैनेजर आनंद शाकिया को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है, जो 2011 से फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक प्रीतम सिंह जीसीए मार्केटिंग प्रोवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी है। वही ठगी के शिकार निर्मल सिंह माखोर भी 2011 में भी एक आवेदन दिया था, सहावी कविता, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर आज पुलिस कार्यालय में एक आवेदन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। शुभ नाम क्या है आप लोगों का? मेरा नाम तोताराम। आपका? निर्मल सिंह माखोर। यहाँ किस लिए आए हैं कलेक्टर कार्यालय में? कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के लिए। अच्छा, चिटफंड कंपनी है, उससे संबंधित आवेदन है। कौन सी कंपनी है चिटफंड कंपनी? सर जीसीए मार्केटिंग है, जिसका ऑफिस जगन्नाथ चैम्बर पड़ाव में था, सेकंड फ्लोर। अच्छा, तो ये आवेदन आपने, कंपनी ये बंद कब हुई है? सर कंपनियां मार्च 2011 में कंपनियां बंद हुई थी, उसके अच्छा। बाद में सीनियरों के कहे अनुसार हम लोगों ने जो काम करते रहे, किस्तें रहती हैं वो जमा करते रहे। कौन कौन थे कंपनी के सीनियर? सर कंपनी के सीनियर मनोज माहौर, योगेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश ऋषियारिया, आनंद शाक्य, विजय शाक्य और संजय गुर्जर है, मन्ना लाल राठौर है, यूनस मोहम्मद गौरी है, और आपका आनंद शाक्य है, और विजय शाक्य, राकेश शाक्य, मन्ना लाल राठौर, मदन मोहन गुप्ता, जे पी जैन भी हैं, विनोद सोनी है, यूनस मोहम्मद गौरी हैं, और भी बड़े बड़े सीनियर इसमें रहे हैं, वीपी नामा करके। अच्छा, कंपनी का जो गुर्जर हैं, ये सब कंपनी जो है जीसीए मार्केटिंग, इस कंपनी को मतलब संचालन कौन कर रहा था? सर बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो प्रीतम सिंह जी कंपनी के जो मालिक भी हैं, सीएमडी भी रहे हैं, कंपनी का पूरे भारत से टर्न संचालन वही संभाल रहे थे। यहाँ जो कि पंजाब में जिला मुक्त सर पंजाब में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, अभी वर्तमान में अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। आपने पड़ाव थाने में कभी कंप्लेंट किया है इसके संबंध में? सर पड़ाव थाने में हम लोग आवेदन दे के आए हुए हैं। कब दिया है आपने आवेदन? सर करीब एक साल हो गया है आवेदन। आज तक क्या कार्रवाई हुई आपके आवेदन पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें। अभी भी अगर पूछने जाओ तो वो ये कह देते हैं कि जांच चल रही है। अच्छा, अभी आपने आवेदन ये कलेक्टर साहब के अलावा भी कहीं दिया है क्या? सर कलेक्टर साहब के अलावा भी दिया हुआ है, मुरैना में दिया हुआ है, भिंड में दिया हुआ है, दतिया में दिया हुआ है, सेवड़ा में दिए हुए हमने, यहाँ के अलावा। और ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और यहाँ पे हमने 5/12/2019 को आवेदन दिए हुए थे, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम लोग दोबारा से आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। आपने यहाँ कलेक्टर साहब के ही आवेदन दिया है कि और भी कहीं दिया है आज? सर आज कलेक्टर साहब के अलावा हम लोगों ने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया हुआ है। क्या बात हुई आपके एसपी साहब से? सर एसपी साहब ने ये बोला हुआ है कि इस कंपनी के खिलाफ और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि आनंद कुमार शाक्य करके हैं, वो आज क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका प्रकरण 2289/11 पड़ाव थाने में मतलब दर्ज है। ये कब गिरफ्तारी हुई है? सर आज ही, आज 9/1/2021 को ही गिरफ्तारी हुई है, क्राइम ब्रांच ने ही गिरफ्तार किया हुआ है, करीब करीब 12 से 1 के बीच में। अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? सर हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार के कंपनियों के कार्यकलाप बंद हो जाएं और इस प्रकार से कोई कर नहीं पाए, और जिससे हम जैसे लोगों का निवेश, जैसे जो लोग हैं वो इस प्रकार की कंपनियों में ना फंसे, और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन लोगों का पैसा भी मिल जाए हम लोगों को। और उसके अलावा हम तो ये चाहेंगे कि हमारे अलावा और भी जो भी जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो दोबारा से इस प्रकार की कंपनियों में पैसा ना फंसाएं। और एक चीज़ और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा,
कल दिनांक 10/1/2021 है, जिसमें कि सेंट्रल पार्क में एक कंपनी की मीटिंग रखी गई है। कंपनी का नाम पता नहीं है, लेकिन इसी प्रकार की जो प्रलोभन देती हैं कंपनियां, उसी प्रकार की कंपनियों का उसमें मीटिंग रखी गई है सेंट्रल पार्क में। जो कि वहाँ पर मुझे जानकारी मिली है कि जो काफ़ी बड़े बड़े जो कार्यकर्ता थे GCA मार्केटिंग कंपनी में, वो भी इस मीटिंग में आ रहे हैं। किसी का नाम बताना चाहेंगे, कौन आ रहा है? सर वैसे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक नाम मुझे सुनने में आया था, योगेंद्र प्रताप सिंह, वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो? मेरे पास में एक उनका मीटिंग का एक लेटर आया हुआ था व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिलोंग मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर मैं ग्वालियर का ही हूँ। वो जो पार्टी सेंटर पर वो करेंगे ग्वालियर से, जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये लोग निवासी कहाँ के हैं? सर ये निवासी बौड़ापुर के हैं, जो कि ए ब्लॉक मकान नंबर 100। मतलब इनका भी लेन GCA मार्केटिंग से रहा है? जी हाँ सर, इनका लेन देन काफ़ी समय GCA मार्केटिंग में रहा है। मतलब इनने GCA मार्केटिंग में लगभग कितने रुपए की ठगी की होगी आप लोगों के साथ में? सर अगर ग्वालियर से देखा जाए तो ग्वालियर से करीब 100 करोड़ से ऊपर की ठगी करी हुई है। तो अभी तक इनने कोई सी भी पार्टी को कोई पैसा वापस नहीं किया? सर अभी तक तो 2011 से पहले तो रहा है, और उसके बाद में भी रहा है, लेकिन 2016 से इन लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। और कंपनी हम लोगों ने सीनियर से भी कहा, जो शाखा प्रबंधक रहते हैं उन लोगों से भी कहा कि पैसा आप लोग हमें उपलब्ध कराइए, लेकिन हमेशा छः महीने साल भर का समय दे देते हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं, आगे की कोई सुनवाई नहीं रहती है उनकी। इसलिए हम लोगों ने यह आवेदन देने के लिए हम लोग आए। अच्छा, अपने ग्वालियर के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर माननीय मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो भी कंपनियां चल रही हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके कंपनियों के प्रति कार्रवाई करें, और हम लोगों का और आम जनता का जो भी पैसा फंसा हुआ है वो कंपनी से दिलाने का प्रयास करें। और सीनियरों का ये भी कहना था कि फलानी हर जहाँ पर भी सीनियर रहते थे, जैसे ग्वालियर में सीनियर हैं या किसी भी शहर के सीनियर हैं, उन लोगों का हमेशा यही कहना रहता था कि GCA मार्केटिंग कंपनी के जो मालिक हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने हमारे नाम से यहाँ पे ग्वालियर में, शिवपुरी में, गुना में, इंदौर में रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, ऑफिस की रजिस्ट्रियाँ हैं, जमीन की रजिस्ट्रियाँ हैं। जब मीटिंगें होती थी तब वो रजिस्ट्रियाँ सारे के सारे सीनियर दिखाते थे, आज वो रजिस्ट्रियाँ भी उनकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को कि रजिस्ट्रियाँ कहाँ हैं या ज़मीनें कहाँ हैं। ग्वालियर में अगर देखा जाए तो ग्वालियर का जो ऑफिस है वो राजेंद्र सिंह बिट्टू, जो कि विनयनगर का एड्रेस है उनका, वहाँ पे उनके नाम से थी। उसके अलावा मुन्नालाल मदन मोहन गुप्ता जी हैं, मदन मोहन गुप्ता जी के नाम से GCA मार्केटिंग की कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम से भी है। इसके अलावा मुन्ना लाल राठौर जी के नाम से भी है, दिनेश रिचारिया, विनोद सोनी, यूनस मोहम्मद गौरी, और आपका क्या बोलते हैं जी करके हैं एक, मतलब बड़े बड़े जितने भी सीनियर थे उन सभी के नाम से अलग अलग शहरों में अलग ज़मीनें और ऑफिसों की रजिस्ट्रियाँ हैं। और मनोज माहौर खुद हमें बताते थे कि अलीगढ़ की जो ब्रांच है वो उनके नाम से है, मनोज माहौर का ये स्पष्ट कहना था। और उन्होंने हमें रजिस्ट्री भी दिखाई थी, लेकिन वो रजिस्ट्री उन्होंने हमें कभी उसकी फोटोकॉपी वगैरह कभी उपलब्ध नहीं कराई। एक बार उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई थी जो कि अलीगढ़ की जो ब्रांच मनोज माहौर, योगेंद्र प्रताप सिंह और योगेंद्र प्रताप सिंह के भाई लक्ष्मीराज जी, ये संभाल अलीगढ़ की जो ब्रांच थी उसका पूरा कारोबार यही संभालते थे। ठीक है।
नहीं आया सर। जीसीए मार्केटिंग में जो ऐसा कर लो खड़ा पैसा फंसा हुआ है उसके लिए आवेदन लेने के लिए। यहाँ आपने आवेदन किसको दिया? एस पी साहब को दिया हुआ है। क्या बोला एस पी साहब ने? एस पी साहब ने ये बोला है कि जल्दी से जल्दी खिलाफ कार्रवाई हो जाए। आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कौन से व्यक्ति पहले मिले थे? सर इसमें सबसे पहले हमारे पास में मनोज माहर और बाबूलाल माहर जो कि लक्कड़ खाने पर रहते हैं। और मनोज माहर अभी निवास स्थान आनंद नगर में बी ब्लॉक पर, तो वो हमारे पास में सबसे पहले आए हुए थे। तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से उनको बताया था कि यहाँ पर कंपनियों की ज़मीनें हैं और ऑफिस भी निजी कंपनी का खुद का निजी बनाया हुआ है, ज़मीनें भी खरीदी हुई हैं कंपनी ने। और यहाँ पे कंपनी में इस प्रकार से खरीदी हुई हैं कि यहाँ के लोकल व्यक्ति के नाम से कंपनी ने ज़मीनें खरीदी हैं और कंपनी का भी नाम है उसमें। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? जीसीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जगन्नाथ चैम्बर पड़ाव। अच्छा, FIR वगैरह पहले भी सुनने में आया था कि हो रखी है? सर 2011 में FIR हो चुकी है, लेकिन वहाँ से उसमें फरार अपराधी चल रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ से जितने भी अपराधी फरार हैं उसमें से आनंद BM साख के करके जो हैं वो अभी क्राइम ब्रांच ने यहाँ से अभी आधा घंटा पहले ही दर्जा पूछा है। अच्छा चलिए ठीक है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।